नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 24 मई दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। सिविल सेवा परीक्षा में बिहार की बेटी आई दूसरे स्थान पर। दस्तावेजों के डिजिटाइजेशन का काम सभी जिलों में शुरू। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से पिछले वर्ष की तुलना में दी गई अधिक राशि। 2000 का नोट न लेने पर होगी कार्रवाई। लखनऊ और मुंबई के बीच आज एलिमिनेटर में होगी जोरदार टक्कर। अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। यूपी में नर्सिंग ऑफिसर के 600 पदों पर निकली भर्ती। उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के द्वारा नर्सिंग ऑफिसर के 600 पदों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से नर्सिंग में BSc डिग्री होना अनिवार्य है। इसके साथ ही इंडियन नर्सिंग काउंसिल में वैलिड रजिस्ट्रेशन होना भी अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन करने के लिए UPUMS की आधिकारिक वेबसाइट www.upums.ac.in पर जाकर ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तारीख 8 जून 2023 तक निर्धारित की गई है। सिविल सेवा परीक्षा में बिहार की बेटी आई दूसरे स्थान पर। बीते दिन 23 मई को संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा सिविल सेवा परीक्षा 2022 का फाइनल रिजल्ट जारी किया गया। बता दें कि इस परीक्षा में बिहार की बेटी ने दूसरा स्थान हासिल किया है। मालूम हो कि हम जिसकी बात कर रहे हैं वह बिहार के बक्सर की रहने वाली है, जिसका नाम गरिमा लोहिया है। बता दें कि गरिमा लोहिया ने ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल किया है। मालूम हो कि प्रथम 4 टॉपर में लड़कियों का बोलबाला है। अगर हम पहले स्थान की बात करें यानी कि ऑल इंडिया रैंक 1 की बात करें तो ये स्थान इसता किशोर ने अपने नाम किया है। वही तीसरा स्थान उमा हरती एन, चौथा स्थान स्मृति मिश्रा, पांचवा स्थान मयूर हजारिका, छठा स्थान गहना नव्या जेम्स, सातवां स्थान वसीम अहमद भट्ट, आठवां स्थान अनिरुद्ध यादव, नौवां स्थान कनिका गोयल और दसवां स्थान राहुल श्रीवास्तव ने हासिल किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस साल UPSC के द्वारा कुल 933 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है, जिन्हें नियुक्ति के लिए अनुशंसित किया गया है। वहीं CM नीतीश ने सभी को बधाई देते हुए शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि इस बार संघ लोक सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा में टॉप 4 में लड़कियां ही रही हैं, जो बेहद खुशी की बात है। बक्सर की गरिमा लोहिया ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त कर राज्य का नाम रोशन किया है। देश की बेटियों की यह सफलता आधी आबादी को प्रेरणा प्रदान करेगी। बिहार के पर्यटन में आज हम बात करेंगे मुचालंडा सरोवर के बारे में। मुचालंडा सरोवर बोध गया में स्थित सबसे पावन जगहों में से एक है। यह वह स्थान जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद लगातार 6ठा सप्ताह ध्यान में बिताया था। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान बुद्ध ध्यान में थे तो एक तेज आंधी बारिश आई और बुद्ध को भीगते हुए देखकर झील के सर्प राजा मुचालंडा अपने निवास से बाहर आए और बारिश से बुद्ध की रक्षा की। मुचालंडा सरोवर को लोटस पॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसमें ध्यान की स्थिति में भगवान बुद्ध की एक मूर्ति स्थापित की गई है जो उसी दृश्य को दर्शाती है। इसके अलावा झील में कई मछलियां हैं जिन्हें यहां आने वाले पर्यटक मुरमुरे खिलाते हैं। आप यहां पर आकर घूम सकते हैं और यहां झील में मौजूद मछलियों को देखते हुए अपना अच्छा समय बिता सकते हैं। बिहार के सरकारी स्कूलों के प्रधानाध्यापक गर्मी की छुट्टियों में करेंगे ये काम। 1 जून 2023 से राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां होने वाली है, जो कि पूरे एक महीने यानी कि 30 जून तक जारी रहेगी। लेकिन बता दें कि इस बार गर्मी की छुट्टियां का मजा सरकारी स्कूलों के प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक नहीं उठा पाएंगे। दरअसल बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक के द्वारा आदेश जारी कर यह कह दिया गया है कि गर्मी की छुट्टियों के दौरान सरकारी स्कूलों के प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक स्कूलों में हो रहे निर्माण कार्यों की निगरानी करेंगे और उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ इसको लेकर निदेशक के द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भी निर्देशित कर दिया गया है कि वह इस आदेश का पालन कराएं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, गर्मी की छुट्टी के दौरान राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में बालक बालिका शौचालय, पेयजल, विद्युतीकरण समेत कई तरह के कार्य करवाए जा रहे हैं। वह विद्यालय शिक्षा समिति और विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति के माध्यम से कराए जा रहे हैं। दस्तावेजों के डिजिटाइजेशन का काम सभी जिलों में शुरू। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के युक्त विनोद सिंह गुंजियाल के द्वारा कार्यालय सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया गया कि राज्य के सभी जिलों में निबंधन के दस्तावेजों के डिजिटाइजेशन के काम को लेकर एजेंसी के चयन प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है। बता दें कि बहुत जल्द ही लोगों को रजिस्ट्री के साथ ही दस्तावेजों के मिलने का काम भी शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मॉडल डीड के जरिए भी विभाग में निबंधन की प्रक्रिया जारी है। इस वर्ष 1 अप्रैल से लेकर 20 मई तक लगभग 1,00,000
88,000 दस्तावेजों का निबंधन कराया जा चुका है। वहीं चालू वित्तीय वर्ष में निर्धारित किए गए 6,300 करोड़ रुपए के राजस्व वसूली में से अब तक 853 करोड़ रुपए राजस्व की वसूली हो चुकी है। उन्होंने बताया कि आम लोगों को अगर निबंधन से जुड़ी कोई जानकारी या सहायता की जरूरत होती है तो वो जारी किए गए टोल फ्री नंबर 1-4544 पर कॉल कर सकते हैं। 161 मदरसों के दावे के जांच के बाद वेतन भुगतान का होगा निर्णय। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह के द्वारा बिहार के कई जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के तहत राज्य के 161 मदरसों का वेतन का भुगतान तब किया जाएगा जब वेतन भुगतान जारी किए जाने के संबंध में सभी शर्तों को पूरा करने संबंधी दावा पेश करने के लिए सूचित किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी 161 मदरसों से संबंधित प्रबंध समिति या मदरसा के प्रधान मौलवी द्वारा सभी शर्तों को पूरा किए जाने संबंधी साक्ष्य के साथ दावा जिला स्तर पर गठित 3 सदस्यीय कमेटी जिला शिक्षा पदाधिकारी के समक्ष पेश करना होगा, जिसके बाद समिति के द्वारा जांच पड़ताल कर रिपोर्ट तैयार कर पूर्ण ब्यौरा के साथ 1 सप्ताह के अंदर विभागीय ईमेल या विशेष दूत पर उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके बाद ही रिपोर्ट के आधार पर वेतन इत्यादि भुगतान की कार्रवाई की जाएगी। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से पिछले वर्ष की तुलना में दी गई अधिक राशि। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत छात्रों को दी जाने वाली राशि में पिछले वर्ष की तुलना में काफी बढ़ोतरी हुई है। बता दें कि इस योजना के वर्ष 2022-23 में कुल 71,665 छात्रों को 1,375 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वहीं वर्ष 2021-22 में इस योजना के तहत दी जाने वाली राशि की मात्रा कुल 785.25 करोड़ थी। बता दें कि मेरी जानकारी के अनुसार वर्ष 2022-23 में वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 में ऑनलाइन आवेदन की संख्या कुल 80,146 थी, जिनमें से कुल 68,622 आवेदनों को स्वीकृत किया गया था, जिसके बाद इन स्वीकृत आवेदन को कुल 2,073 करोड़ रुपए दी गई। वहीं ऋण वितरित आवेदकों की संख्या कुल 71,665 है, जिसमें बैकलॉग के आवेदन भी शामिल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना के शुरुआत होने के बाद से अब तक कुल 208,183 आवेदकों के बीच 3,856.65 करोड़ रुपए का वितरण किया जा चुका है। शिक्षक नियुक्ति नियमावली के खिलाफ आंदोलन रहेगा जारी। जब से कैबिनेट की बैठक में नई शिक्षक नियमावली पर मुहर लगाई गई है, तब से लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा इस नियमावली को लेकर बिहार सरकार के खिलाफ विरोध किया जा रहा है। वहीं 22 मई से बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव एवं पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह के आह्वान पर विरोध के तीसरे चरण की शुरुआत कर दी गई है। वहीं बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह एवं महासचिव व पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह के द्वारा अपने बयान में कहा गया है कि हजारों की संख्या में राज्य के पुस्तालय का अध्यक्ष एवं शिक्षकतर कर्मियों ने विद्यालयों में अध्यापन कार्य संपन्न कर चलचलाती धूप में भूखे प्यासे अपनी उपस्थिति दर्ज की और इस माध्यम से बिहार सरकार को आगाह किया कि यदि इस नियमावली में आवश्यक संशोधन सरकार नहीं करती है तब तक हमारा सत्याग्रह चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित जुलाई माह में विधानमंडल सत्र के दौरान पटना में हमारा विराट प्रदर्शन होगा। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे विंदेश्वर पाठक के बारे में। डॉक्टर विंदेश्वर पाठक विश्वविख्यात भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता एवं उद्यमी हैं। उन्होंने सन 1970 में सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना की। सुलभ इंटरनेशनल मुख्यतः मानव अधिकार, पर्यावरणीय स्वच्छता, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों और शिक्षा द्वारा सामाजिक परिवर्तन आदि क्षेत्रों में कार्य करने वाली एक अग्रणी संस्था है। श्री पाठक का कार्य स्वच्छता और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रणी माना जाता है। इनके द्वारा किए गए कार्यों को राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है और पुरस्कृत किया गया है। श्री पाठक को भारत सरकार द्वारा 1991 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 2003 में श्री पाठक का नाम विश्व के 500 उत्कृष्ट सामाजिक कार्य करने वाले व्यक्तियों की सूची में प्रकाशित किया गया। श्री पाठक को एनर्जी ग्लोब पुरस्कार भी मिला। श्री पाठक को इंदिरा गांधी पुरस्कार, स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार इत्यादि सहित अनेक पुरस्कारों द्वारा सम्मानित किया गया है। उन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने के लिए प्रदर्शनी पुरस्कार एवं सर्वोत्तम कार्य प्रणाली के लिए दुबई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त किया है। इसके अलावा सन 2009 में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा संगठन का अक्षय ऊर्जा पुरस्कार भी प्राप्त किया। बिहार में 8,000 तक कम हुए कृषि यंत्रों के दाम। कृषि विभाग के कॉस्ट यूनिट के द्वारा राइस मिल विद्युत मोटर चलित 3 HP यंत्र के दामों में बदलाव कर दिया गया है। बता दें कि अब इस यंत्र का नया मूल्य 50,000 रुपए से घटाकर 42,000 रुपए निर्धारित कर दिया गया है और साथ ही इसमें अब 50% तक की सब्सिडी भी दी जाएगी। बता दें कॉस्ट कमेटी के द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है कि कृषि यंत्रों के निर्माताओं की संख्या अधिक होने के कारण बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है, जिसका असर यंत्रों की खरीदारी पर दिख रहा है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा बढ़ने से यंत्रों के बाजार दर में गिरावट आई है। बता दें कि राइस मिल विद्युत मोटर चालित 3 HP यंत्र के अलावा चैफ कटरों की कीमत में भी गिरावट आई है। मालूम हो कि चैफ कटर इंजन विद्युत मोटर की कीमत 40,000 से घटकर 36,000 रुपए कर दी गई है। राजधानी के
108 पंचायतों में बाढ़ से बचाव की तैयारी हुई शुरू। कुछ दिनों में बारिश का मौसम आने वाला है। ऐसे में बिहार की राजधानी पटना में कुल 108 पंचायत ऐसे हैं जहां बाढ़ आने की आशंका है। ऐसे में इन पंचायतों में बाढ़ ना आ सके इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। बता दें कि अगर इस बार नदियों का जलस्तर खतरे से अधिक होता है तो लगभग 4 लाख से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित हो सकती है। मालूम हो कि जिले में बाढ़ से निपटने के लिए 56 प्रकार की दवाएं की व्यवस्था की गई है। वहीं चिकित्सालयों में 42 प्रकार की दवाओं को उपलब्ध करवाया गया है। वहीं बाढ़ की स्थिति में लोगों के लिए 108 शरण स्थलों को चिन्हित किया गया है जहां सामुदायिक रसोई का भी संचालन किया जाएगा। इसके साथ ही बाढ़ के दौरान बांटने के लिए सूखा राशन पैकेट और खाद्य पैकेट की पैकेजिंग के लिए भी जगह चिन्हित कर लिया गया है। वहीं पशुओं के लिए प्लेटफॉर्म के लिए 23 स्थलों को चिन्हित किया गया है। बिहार में नर्स अब करवा सकेंगी अपने पसंदीदा जगह पर तबादला। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से राज्य के अलग अलग सरकारी अस्पतालों में पदस्थापित नियमित GNM यानी कि जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी की ओर से हो रही लगातार मांग को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि अब सरकार के द्वारा उन्हें उनकी मनचाही जगह पर पदस्थापित किया जाएगा। बता दें कि इस संबंध में विभाग की ओर से आदेश भी जारी कर दिया गया है। हालांकि वैसे GNM को अपना पदस्थापन अपनी मनचाही जगह पर करवाना चाहती हैं तो उन्हें विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन करना होगा। वहीं अगर किसी GNM के द्वारा पहले ही आवेदन दे दिया गया है तो उसे भी दोबारा अपने मनचाहे स्थान पर पदस्थापन के लिए अपना आवेदन देना होगा। मालूम हो कि आवेदन की शुरुआत 25 मई से हो रही है जो कि 15 जून तक चलेगी। वहीं आवेदन करने के पहले इस पर नियंत्रित पदाधिकारी की अनुशंसा आवश्यक होगी। SC ST मामले के निपटारे में हुई बढ़ोतरी। ADG मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस वर्ष जनवरी महीने से लेकर मार्च महीने तक में यानी कि कुल 3 महीने में राज्य में SC ST से जुड़े मामलों के निपटारे में 150% तक की बढ़ोतरी हुई है। बता दें कि इन 3 महीनों में जहां 1,762 मामलों को दर्ज किया गया तो वहीं 2,590 मामलों का निष्पादन किया गया। मालूम हो कि इसमें पहले से लंबित मामलों का भी निपटारा किया गया है। SC ST से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए जिलों को SOP का पालन करने का निर्देश दिया गया है। इसमें किसी घटना के होने पर तुरंत स्थल निरीक्षण करना, सत्यता की जांच कर तुरंत अभियुक्तों को गिरफ्तार करने जैसे अन्य मानक शामिल हैं। 2000 का नोट न लेने पर होगी कार्रवाई। बीते दिन से 2000 रुपए के नोट को बैंक में बदलने की शुरुआत कर दी गई है जो कि 30 सितंबर 2023 तक जारी रहेगी। ऐसे में कई लोग 2000 रुपए के नोट को खपाने के लिए बैंक के बजाय दुकानदारों में खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन कई दुकानदार वाले ऐसे हैं जो 2000 रुपए के नोट लेने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन बता दें कि अब ऐसे दुकानदारों पर कार्रवाई भी हो सकती है। दरअसल RBI के द्वारा एक नियम बनाया गया है जिसके तहत नोट लेने से इनकार करने वाले दुकानदारों के खिलाफ शिकायत किया जा सकता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप RBI की वेबसाइट cms.rbi.org.in पर जाकर दुकानदारों के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं या फिर आप सबूत के साथ बैंक मैनेजर से भी मिलकर इसकी शिकायत कर सकते हैं। इसके साथ ही ग्राहक रिजर्व बैंक के इंटीग्रेटेड लोकपाल योजना के तहत शिकायत दर्ज करा सकते हैं। भीषण गर्मी के बीच मौसम ने ली करवट। उत्तर भारत के राज्यों में गर्मी का सितम जारी है, लेकिन इस चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी के बीच बिहार के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियों के साथ मौसम बदला है। मौसम विभाग के माने तो बिहार में आने वाले 4 दिनों तक बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। इस कारण लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। बारिश के चलते बिहार के अलग अलग जिलों में तापमान में भी कमी दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक 26 मई तक कई जिलों में बादल छाए रहेंगे और बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। इन 3 दिनों में 10 मिलीमीटर से 50 मिलीमीटर के बीच बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं कई जिलों में ज्यादा भी होने की संभावना है। इसके अलावा मेघ गर्जन के साथ कुछ स्थानों पर वज्रपात की भी संभावना जताई गई है। 3 से 4 जिलों में ओलावृष्टि के भी आसार है। वहीं 27 मई को राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों के जिलों में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन और बिजली के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। खरीफ खेती के अनुदान का लाभ लेने के लिए इस दिन तक करें आवेदन। बिहार सरकार के द्वारा खरीफ खेती के लिए किसानों को खरीफ 2023-24 में विभिन्न योजना के तहत किसानों को अलग अलग प्रभेद के उन्नत धान बीज अनुदान पर मुहैया कराई जा रही है। बता दें कि वैसे किसान जिन्होंने अब तक इस अनुदान के लिए आवेदन नहीं किया है वे 30 मई तक आवेदन कर सकेंगे, क्योंकि अगर अनुदान पाने के लिए किसानों के द्वारा आवेदन नहीं किया जाता है तो वह अनुदान से वंचित रह जाएंगे। बता दें किसान को अनुदान के लिए आवेदन करने के लिए किसान कृषि पोर्टल पर जाना होगा। हालांकि आवेदन करने के लिए किसान को कृषि विभाग से पंजीकृत होना आवश्यक है। वहीं आवेदन किए गए किसानों को इस योजना के तहत बीज के साथ किट मुफ्त में मिलेगी।
के महावीर मंदिर ने कई मामलों में उत्तर भारत के कई संस्था को छोड़ा पीछे। बिहार की राजधानी पटना में स्थित महावीर मंदिर न्यास के सचिव आचार्य किशोर कुणाल के द्वारा महावीर मंदिर की उपलब्धि को बताते हुए कहा गया है कि चालू वित्तीय वर्ष में महावीर मंदिर और उसके अस्पताल परोपकार पर कुल लगभग 22.60 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। महावीर कैंसर संस्थान के द्वारा कैंसर मरीजों को मात्र 100 रुपए में एक यूनिट ब्लड उपलब्ध करवाया जाता है, जो कि देश के किसी सरकारी, गैर सरकारी और सेवाभावी संस्था द्वारा इतनी सस्ती दर में उपलब्ध नहीं कराई जाती। चालू वित्तीय वर्ष में महावीर अस्पतालों में गरीब मरीजों का इलाज में विशेष छूट पर महावीर मंदिर द्वारा 3 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इसके साथ ही महावीर मंदिर द्वारा संचालित अस्पताल भी वाहन किया जाएगा। मंदिर द्वारा संचालित अस्पतालों में रियायती दरों पर गुणवत्तापूर्ण इलाज की सुविधा दी जा रही है। वहीं वैसे मरीज जो रियायती दर पर भी इलाज नहीं करवा पाते उन्हें अलग से छूट दी जाती है। मंदिर की ओर से अयोध्या स्थित अमावा राम मंदिर परिसर में रामलला के दर्शनार्थियों के लिए राम रसोई संचालित की जा रही है। राम रसोई के माध्यम से अयोध्या के इतिहास में पहली बार महावीर मंदिर न्यास ने सभी तीर्थयात्रियों को निःशुल्क भोजन सुलभ करने का कीर्तिमान किया है। दलित एवं उत्थान एवं सहायता के लिए 20 लाख रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। इसके साथ उन्होंने कई बातें ऐसी बताई जो मंदिर के द्वारा की जा रही हैं। अक्षरा सिंह ने सीएम नीतीश से की ये मांग। भोजपुरी फिल्मों के स्टार अक्षरा सिंह अपने फिल्म डार्लिंग के प्रमोशन के लिए बिहार पहुंची। इस दौरान फिल्म के प्रमोशन में फिल्म के डायरेक्टर और को स्टार भी मौजूद रहे। वहीं फिल्म की कहानी के बारे में जानकारी देने के दौरान अक्षरा सिंह द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने अपनी मांग रखी गई। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वह पहले भी इस मांग को बिहार सरकार के सामने रख चुकी हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार से मांग है कि बिहार में भी फिल्म की शूटिंग के लिए सुविधा मुहैया कराएं, जो आज तक बिहार सरकार के द्वारा नहीं करवाई गई है। मैं हर बार सरकार के सामने अपनी इस मांग को रखती हूं ताकि यहां शूटिंग की जा सके। प्रशांत किशोर पर जेडीयू का पलटवार। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर आए दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर रहते हैं। वहीं प्रशांत किशोर पर जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार के द्वारा पलटवार करते हुए कहा गया है कि प्रशांत किशोर राजनीति में नए खिलाड़ी हैं, वह भी राजनीति में किशोर हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की राज में बिहार में माफिया तंत्र संभव नहीं है। सीएम माफिया का कानूनी कमर तोड़ते हैं और वह जेल में कड़ाहता है। जो राजनीति के व्यावसायिक माफिया थे, जो देश के अंदर अपनी भूमिका का दावा करते थे, वो आज राह भटक रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब लोग सच जान चुके हैं कि प्रशांत किशोर राजनीति में अभी किशोर हैं। 2000 नोट बदली पर वित्त मंत्री विजय चौधरी का बयान। बीते दिन बिहार की राजधानी पटना में जेडीयू कार्यालय में जनसुनवाई कार्यक्रम में शामिल वित्त और संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी के द्वारा देश में 2000 रुपए के नोट बदली पर अपना बयान देते हुए कहा गया है कि नोटबंदी के फैसले बस खराब होती अर्थव्यवस्था से ध्यान हटाने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की केंद्र सरकार क्या सोचकर कदम उठाते हैं, यह तो केवल वही बता सकते हैं। विजय कुमार चौधरी ने कहा कि कुछ दिन पहले ही 2000 रुपए के नोट की शुरुआत की गई थी, जिसे फिर से बंद कर दिया गया। तो कुल मिलाकर बात यही है कि अर्थव्यवस्था इनके नियंत्रण में नहीं है और अर्थव्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं है। लखनऊ और मुंबई के बीच आज एलिमिनेटर में होगी जोरदार टक्कर। आईपीएल 2023 के 16वें सीजन में आज एलिमिनेटर मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच शाम 7:30 बजे चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में भिड़ंत होने वाली है। इस मैच को जीतकर जहां एक टीम के पास क्वालिफायर 2 में पहुंचने का मौका होगा, तो वहीं एक टीम हार के साथ ही आईपीएल 2023 के प्लेऑफ से बाहर हो जाएगी। इस मैच में लखनऊ की कप्तानी कृणाल पांड्या और मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा के हाथों में होगी। लखनऊ ने इस टूर्नामेंट में अब तक 14 मैच खेलते हुए 8 जीत और 5 हार के साथ 17 पॉइंट्स लेकर नंबर 3 होने का ताज अपने सिर सजाया है। इस टीम का चेन्नई के खिलाफ एक मैच बारिश के चलते बेनतीजा रहा था। मुंबई ने पिछले साल बॉटम 2 टीमों में अपना अभियान खत्म किया था। इस साल मुंबई ने 14 मैच खेले हैं, जहां उसे 8 मैच में जीत और 6 मैच में हार का स्वाद चखना पड़ा। मुंबई ने 16 पॉइंट्स के साथ प्लेऑफ में जगह बनाई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आज का मैच कौन सी टीम जीतती है। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। सैयद अहमद खान ने 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मदीन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की, जो वर्तमान में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध की 2500वीं जयंती 1956 में धूमधाम से मनाई गई। भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक करतार सिंह सराभा का जन्म 1896 में हुआ। भारत के पूर्व भारतीय विदेश सचिव रंजन मथाई का जन्म 1952 में हुआ। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल का जन्म 1954 में हुआ। भारतीय निर्देशक, संपादक, निर्माता और पटकथा लेखक श्री सुंदर का जन्म 1973 में हुआ। भारतीय विधिवेता, राजनीतिज्ञ और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष के एस हेंगड़े का निधन 1990 में हुआ। भारत के महान कुश्ती प्रशिक्षक व पहलवान गुरु हनुमान का निधन 1999 में हुआ। भारतीय अभिनेता तपे चटर्जी का निधन 2010 में हुआ। हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार और शायर मजरू सुल्तानपुरी का निधन 2000 में हुआ।
बालकर में आज हम बात करेंगे साइबर क्राइम रिपोर्ट के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे साइबर क्राइम रिपोर्ट के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि क्या गृह मंत्रालय ने साइबर क्राइम रिपोर्ट करने के लिए तत्कालिक सेवा 1-55-26-0 शुरू की है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि हाँ, लेकिन इस सेवा के नंबर को बदलकर 1-9-3-0 कर दिया गया है। साइबर क्राइम संबंधित शिकायत cybercrime.gov.in पर भी दर्ज कराई जा सकती है। व्हाट्सएप पर गलत या अधूरे भेजे गए मैसेज को अब करे एडिट। व्हाट्सएप ने एडिट मैसेज का फीचर ग्लोबली रोल आउट करना शुरू कर दिया है। फिलहाल ये फीचर कुछ लोगों को ऐप पर दिखा है, जल्द सभी लोगों को ये मिलेगा। यदि आपको अपडेट नहीं मिलता है तो आप ऐप को प्ले स्टोर पर जाकर अपडेट कर ले। इस फीचर की मदद से यूजर्स गलत टाइप या अधूरे भेजे गए मैसेज को एडिट कर पाएंगे। हालांकि इसके लिए एक टाइम लिमिट भी है। व्हाट्सएप पर आप केवल 15 मिनट पहले भेजे गए मैसेज को एडिट कर पाएंगे। यदि आप इस टाइम के बाद कोई मैसेज एडिट करना चाहेंगे तो ऐसा नहीं होगा। कॉल मैसेज और मीडिया की तरह एडिटेड मैसेज भी एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होंगे। जिस मैसेज को आप एडिट करेंगे वो सामने वाले यूजर को एडिटेड के रूप में नजर आएगा, हालांकि एडिट हिस्ट्री उसे नहीं दिखेगी। मैसेजेस को एडिट करने के लिए आपको उसे देर तक टैप रख करके रखना होगा। इसके बाद आपको एडिट मैसेज का ऑप्शन दिखेगा। चौदहवें किस्त पाने के लिए बिहार के किसान आज ही करवा ले यह काम। अगर आप भी किसान हैं और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत चौदहवीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो बहुत जल्द ही आपका इंतजार खत्म होने वाला है। मगर ये किस्त पाने के लिए लाभुकों को जल्द से जल्द दो काम करवाने होंगे। बता दें कि अगर यह दो काम नहीं किया जाता है तो आपका चौदहवीं किस्त फंस भी सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत चौदहवीं किस्त लेने के लिए किसानों को EKYC और NPCI सेटिंग कराना अनिवार्य होगा। अगर किसानों ने ये नहीं करवाते हैं तो वे चौदहवीं किस्त से वंचित रह सकते हैं। मालूम हो कि EKYC करवाने के लिए किसान को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह काम किसान खुद भी कर सकते हैं। इसके लिए बस उन्हें पीएम किसान पोर्टल pmkisan.gov.in पर जाना होगा और वहां से KYC को अपडेट करना होगा। वहीं इसके अलावा किसान KYC अपडेट करवाने के लिए नजदीकी CSC सेंटर पर भी जाया जा सकता है। वहीं भू सत्यापन करवाने के लिए किसान को नजदीकी कृषि कार्यालय में जाकर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा किसान का आधार उसके बैंक अकाउंट से लिंक रहना भी जरूरी है। बीते दिन माध्यम पूछेगा सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन व्यूअर्स द्वारा माध्यम पूछेगा सवाल का जवाब दिया गया है उनके नाम है राम नवी मांझी, मृत्युंजय कुमार, मोहम्मद सकीर हुसैन, ऋषि कुमार, पवन सिंह, उमेश ऋषिदेव, सदुल्लाह पलवी, कौशलेंद्र कुमार सन्हा, नन्नू गोलू कुमार, शंकर मुखिया, अहमद कुश कुमार यादव, अभिषेक कुमार, अनुज कुमार चौहान, अंशु कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बिहार की बेटी गरिमा लोहिया को UPSC की परीक्षा में दूसरा स्थान प्राप्त करने पर आप उनकी सफलता पर क्या कहना चाहेंगे। अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहार न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेसबुक से देखें तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।